दो अनजान लोग खजाने की खोज के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन इस जंगल में कोई नहीं जाता है क्योंकि लोगों का मानना है इस जंगल में ग्रेनी रहती है। मोनू, तुम्हें पता है यह जंगल में बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। हाँ सोनू, लेकिन वो खजाना कहाँ होगा? वही तो मुझे नहीं पता है, हमें खजाना खोजना होगा। सोनू मोनू पूरे जंगल की तलाश करते रहते हैं। तभी वहाँ कुछ डरावनी आवाजें आने लगती है। डरावनी आवाज से मोनू डर जाता है और जंगल के और अंदर जाने से सोनू को मना करता है। सोनू मोनू का बात नहीं मानता है और धीरे धीरे जंगल के बीच में पहुंच जाता है। सोनू, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं मोनू, मैं हूँ ना। सोनू मोनू बात करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे, तभी सोनू को एक पुराना घर दिखाई पड़ता है। मोनू, वहाँ देखो, शायद खजाना उसी घर में छिपा हो सकता है। मोनू सोनू को बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह रुकता नहीं है और अकेले ही घर के अंदर जाने लगता है। घर के अंदर घुसते ही उसे कुछ चमकती हुई दिखाई पड़ती है। वह तुरंत उसे उठाने जाता है, लेकिन वह एक अजीब बोतल होता है। ये तो एक सुनहरी रंग का बोतल है, मुझे तो लगा खजाना है। खजाना ना मिलने के चलते सोनू गुस्सा में बोतल को फेंक देता है। जैसे ही सोनू उस बोतल को फेंकता है, उस बोतल के अंदर से ग्रेनी निकल आती है। ग्रेनी को देखकर सोनू बहुत डर जाता है और वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह भाग नहीं पाता है। मुझे छोड़ दो, मैं तो यहाँ खजाने की तलाश में आया था, मैं वापस यहाँ कभी नहीं आऊंगा, मुझे जाने दो। सोनू के बहुत बोलने के बाद भी ग्रेनी उसे जाने नहीं देती है और अपने नाखून से सोनू को मारने की कोशिश करती है। मोनू मुझे बचाओ, ये मुझे मार देगी। मोनू कहाँ हो तुम? सोनू के चिल्लाने की आवाज मोनू सुन लेता है और उसे बचाने के लिए वह भी घर के अंदर चला जाता है। मोनू जैसे ही घर के अंदर घुसता है तो वह अपने दोस्त सोनू की लाश देखता है। सोनू को मरा हुआ देख मोनू चौंक जाता है और बहुत घबरा जाता है, इसलिए वहां से भागने की कोशिश करता है। Where are you? I see you. Want to play hide and seek? ग्रेनी को देखकर मोनू बहुत डर जाता है और उसे उसी वक्त हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके चलते उसकी वही मौत हो जाती है। ग्रेनी बहुत सालों के बाद आजाद हुई थी, इसलिए वह खुशी के मारे डांस करने लगती है। डांस करते करते ग्रेनी को ग्रैंडपा की याद आ जाती है, इसलिए याद करने की कोशिश करती है आखिर ग्रैंडपा कहाँ हो सकते हैं। तभी ग्रेनी को याद आ जाता है कि ग्रैंडपा कब्रिस्तान में दबे हुए हैं, इसलिए वह तुरंत कब्रिस्तान के तरफ जाने लगती है। कुछ ही समय में ग्रेनी कब्रिस्तान में पहुंच जाती है। कब्रिस्तान पहुंचते ही ग्रेनी एक एक करके सभी ताबूतों को देखने लगती है। तभी ग्रेनी को ग्रैंडपा का ताबूत मिल जाता है। ग्रैंडपा का ताबूत देखकर ग्रेनी बहुत खुश हो जाती है और वह फिर से डांस करने लगती है।
ग्रेनी ग्रैंडपा का ताबूत को उठाकर अपने तंत्र मंत्र वाले जगह में ले जाती है। As I look inside myself, I will know, as within, so without, as above, so below. Come to me, Baphomet. Wisdom amongst me, as I look inside myself, I will know, as within, so without, as above, so below. Come to me, Baphomet. ग्रेनी ग्रैंडपा को जगाने के लिए हवन करती है और उसे पता चलता है कि ग्रैंडपा को जगाने के लिए 11 रात में 11 इंसानों की बलि देनी पड़ेगी। ग्रैंडपा को जिंदा करने के लिए ग्रेनी हर रात एक इंसान को शहर से पकड़ कर लाने लगी और उसका बलि देने लगी। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता। ग्रेनी ने 10 लोगों की बलि दे दी थी और अब एक अंतिम बलि देना बाकी था। फिर उसके बाद ग्रैंडपा फिर से जिंदा हो जाएंगे और पूरी दुनिया में तबाही मचाएंगे, इसलिए ग्रेनी बहुत खुश हो जाती है। गुप्ता जी, आपको पता है हमारे शहर में रोज कोई ना कोई लापता हो रहा है। क्या बात कर रहे हो मिश्रा जी? हाँ गुप्ता जी, लोगों का कहना है रात में कोई चुड़ैल आती है और इंसानों को पकड़ के ले जाती है। ओह माय गॉड, तब तो हमें पता लगाना ही होगा आखिर कौन चुड़ैल आ रही है हमारे शहर में और इंसानों को क्यों गायब कर रही है वो। गुप्ता जी और मिश्रा जी चुड़ैल का पता लगाने के लिए रात होने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ समय के बाद रात हो जाती है और गुप्ता जी मिश्रा जी चुड़ैल का पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। गुप्ता जी, हम दोनों तो चुड़ैल का पता लगाने के लिए निकल तो गए, लेकिन कहीं हम दोनों फंस ना जाएं। डरो नहीं मिश्रा जी, हम दोनों साथ में रहेंगे तो कोई चुड़ैल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। वो तो है गुप्ता जी, लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है ना। गुप्ता जी और मिश्रा जी बात करते करते शहर का चक्कर लगाते हैं और उधर ग्रेनी अपना आखिरी शिकार की तलाश में शहर की तरफ जाने लगती है। मिश्रा जी, आपने तो कहा था हमारे शहर में चुड़ैल आती है, लेकिन अभी तक तो कोई दिख ही नहीं रहा है। पता नहीं गुप्ता जी, लेकिन लोगों का तो यही कहना है कि रात में चुड़ैल ही आती है। गुप्ता जी और मिश्रा जी बात कर ही रहे थे तभी किसी के चिल्लाने की आवाजें आती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, चुड़ैल मुझे पकड़ लेगी, बचाओ कोई मुझे। गुप्ता जी, वहाँ से किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही है। हाँ मिश्रा जी, जल्दी चलिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी उस इंसान की मदद करने के लिए जल्दी से भागते हैं। जैसे ही गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ पहुँचते हैं तो वह ग्रेनी को देखकर चौंक जाते हैं। गुप्ता जी, ये तो ग्रेनी है। हाँ मिश्रा जी, अब ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई हमारे शहर में। गुप्ता जी, यहाँ से निकलिए वरना ये ग्रेनी हमें देख लेगी। पर मिश्रा जी, हमें उस इंसान को बचाना चाहिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत उस इंसान को बचाने के लिए जाते हैं। रुक जाओ, तुम इसे क्यों मारना चाहती हो? ग्रेनी को रोककर गुप्ता जी और मिश्रा जी फंस जाते हैं क्योंकि ग्रेनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह अपने जहरीले धुएं से गुप्ता जी और मिश्रा जी को बेहोश कर देती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ग्रेनी उस इंसान को मारकर ग्रैंडपा को जगा पाएगी? ये हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे।